हेलो एवरीवन, माधुरी आर्ट्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कोकोनट शेल से टॉर्टल्स कैसे बनाना वो मैं दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करें। तो पेपर क्ले बनाना है, इसके लिए थोड़ा फेविकॉल लेना है, एक स्पून। मैंने बहुत सारा बना के रखा है, आपको सामने बनानी है। एक कॉर्नफ्लावर लेना है, मैदा लेना है, और ये मैंने न्यूज़पेपर का रात को भिगो के रखा है और मिक्सी किया है। ये न्यूज़पेपर का रोल है। और इसमें पुट्टी पाउडर डालना है, पुट्टी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करना है और ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो आप इसमें विनीगर भी डाल सकते हैं। आप एक एक कप का प्रमाण लेना है और एयर टाइट बॉक्स में ये रखना है। इसी तरह हमारी क्ले रेडी हो जाएगी। इसी तरह से मैंने बहुत सारा क्ले बना के रखा है और ये फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। क्ले रेडी है। ये कोकोनट का ही सेल है, इसके ऊपर आप फेविकॉल लगाएंगे चारों तरफ। इसको हम टॉर्टाइज बनाने वाले हैं। इसको भी ये न्यूज़पेपर का क्ले है तो थोड़ी एक दो तीन घंटे उसको सुखाना है। सूखने के बाद ही कलरिंग कर सकते हैं। अब इसको चपाती चपाती जैसे बेलना है। बेल के इसके ऊपर लगाना है। देखिए इस तरह हमारा हो गया पूरा प्लेन। अब इसको माउथ बनाना है। माउथ बनाना है, इसी तरह लेग बनाने हैं। लेग के ऊपर निशान करने हैं। इसी तरह चारों तरफ लेग लगाने हैं। फेविकॉल डाल के चारों साइड लेग लगाएंगे। देखिए हमारे लेग रेडी हो गए। चारों तरफ हम लेग लगाएंगे और टेल लगाएंगे बाद में, और माउथ। ये माउथ हमने रेडी किया है। माउथ रेडी किया है। इसी तरह से लेग लगाएंगे। देखिए तरह माउथ होगा हमारा। ये आप ग्लू से भी लगा सकते हैं। और ये टेल, ये चार लेग
इसको ड्राई होने देना। ड्राई होने के बाद इसको डेकोरेशन करना है, और डेकोरेशन अभी भी कर सकते हैं, और कलर ड्राई होने के बाद करना है। इसी तरह देखिए आप डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, डिज़ाइन रेडी करेंगे। इसको फेविकॉल लगाएं, डिज़ाइन आपके मन से कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हाथ में लिफ्ट के जैसा रेडी करना है और इसके ऊपर लगाना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बनाया डिज़ाइन। अभी ये मैं राउंड लगा रही हूँ, सर्कल इसी तरह सर्कल बना के रखा है, इस सर्कल लगा रही हूँ। इसी तरह आप लगाना है, इसी तरह लेग के ऊपर भी आप लगाना है। एक लाइन इस तरह, और टेल के ऊपर भी। एक के अलावा दो भी लाइन लगा सकते हैं, इसी तरह दो भी लगा सकते हैं, और भी अच्छा लगता है। देखिए इस तरह डिज़ाइन हो गया हमारा राउंड। और भी कुछ डिज़ाइन चाहिए तो आप बना सकते हैं। इसको पूरा सूखना है, सूखने के बाद ही कलर करना है। ये लेग का डेकोरेशन किया मैंने, दो लाइन इधर, दो लाइन और चारों लेग में, और माउथ में आइज लगा दिए और दो लाइन करवाए। देखिए माउथ, आप जितना भी डिज़ाइन करना है आप कर सकते हैं। इसके बाद इसको ड्राई करना है। देखिए मैंने लीफ जैसे बनाया है इस तरह से, और ये लीफ मैंने चिपका दी है, बहुत सारा स्पेस बचा है इसलिए शॉर्टकट में ये लगा दिया है। अब इसके बाद इसको कलर करना है। देखिए ये हमारा रेडी हो गया है, इसको हम ब्राउन कलर देंगे, उसके बाद ही कॉपर कलर का कोट लगाएंगे। तो ब्राउन कलर के लिए हमारे पास रेड कलर लिया है, इसी तरह कलर करना है। देखिए ये हमारा ब्राउन कलर रेडी हो गया, इसके ऊपर अभी हम कॉपर कलर देंगे। तो कॉपर कलर है, पाउडर है, इसको आप इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए हमारा पूरा कॉपर रेडी हो गया है। कैसे लगा हमारा टॉर्टाइज? आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।